वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी का ब्लॉग मैं मॉर्निंग 9:30 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उठने में लेट हो गया। आप लोगों को तो पता ही हुआ, कल गर्म चल रहा था 8:30 से 2:30 बजे तक, और उस दौरान हमें सोना नहीं था, जग के रहना था, तो सोने में लेट हो गया, 2:30 से 3 बज गया मेरा, और अभी नींद भी बहुत लेट खुला है। तो कल का तो गर्म ख़त्म हो गया, तो हमें होना था आज फ्रेश, तो सुबह सुबह मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी चलती हूँ किचन और आके यहाँ का बेड चेंज करना है, क्योंकि बोलते हैं गरन उरन लगने से बर्तन बेड सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो अभी पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। तो इसलिए पहले हम नाश्ता करते हैं, बाकी कम बाद में करेंगे। तो चलिए किचन में पहले देखते हैं क्या बना है। सो गाइस, यहाँ पे बना हुआ है मैगी, तो अभी हम नाश्ता में करते हैं मैगी। तो ये मम्मी ने बना के रख दिया है पहले से ही, तो आज हमें नाश्ता बनाना नहीं पड़ा। तो आज का नाश्ता हम मैगी से कंप्लीट करते हैं। ना बहुत है, तो मेरे रूम का मैंने बेडशीट टेबल क्लॉथ सारा चेंज कर लिया है। अब ये सारे गंदे कपड़े को हम लेके रख देते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि आप तो कपड़ा धुलेगा नहीं, तो एक ही बार अब कल ही धुलेगा। तो चलिए इसको पहले हम रखते हैं पहले।
अभी हो रहा है लंच का टाइम। तो गाइस अभी हो रहे मतलब 12 बजने वाली है, तो लंच का टाइम के लिए अभी मैं आ गई हूँ किचन पे और अभी बनाऊंगी लंच। तो मैंने अभी भिंडी लेके आई हूँ, भिंडी का भुजिया अभी बनाते हैं। और ये टमाटर कुछ ज़्यादा पक गया तो इसको भी हम चटनी बना देते हैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि एक घंटा में हमें बनाना है 1 बजे तक। इधर मेरा दाल बनके भी रेडी हो गया है। अब जो मेरे पास टमाटर रखा हुआ है उसका हम पकाते हैं आग में, और उसका हम अभी बनाने वाले हैं टमाटर का भरता। तो पहले इसको हम अच्छे से आग में पका लेते हैं, फिर इसका हम भरता बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये मेरा लोकल वाला टमाटर हम लाए हैं मार्केट से, इसलिए कितना अच्छा से ये पक जा रहा है इतना जल्दी जल्दी। तो ये कंप्लीट होने के बाद इधर हम दे देते हैं भिंडी का भुजिया चढ़ाने के लिए, जहाँ पे हमने प्याज दिया है। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, उसके बाद इसमें जो कटे हुए भिंडी थे वो डाल देते हैं। तो जब तक मेरा ये भिंडी का भुजिया बनता है तब तक हम कुछ फ्रूट खा लेते हैं ब्रेक लेके। पहले वाला कितना कड़क था ना, दांत में लग रहा था एकदम, चबा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन यही वाला कल तक पूरा खराब हो जाएगा, गल जाए, पूरा पक जाए। और है ये है कितना वो नरम है कोई कल तक ठीक हो जाएगा। नहीं कल तक पक जाएगा। ना आपका टेम्पल ग्लास वो था ना, जो ग्लास वो आपको मोबाइल का है उसके कारण टेप में बचा हुआ था। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मम्मी लेके आ गई है कलर लगवाने के लिए। अभी मम्मी को लगाने के बाद हम भी अपना बाल में लगवाएंगे नूपुर, क्योंकि दुर्गा पूजा सामने आने वाला है तो अपना बाल फेस पे ध्यान तो देना होगा ना। तो वही सब अभी चलेगा कुछ दिन। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं हम एंड करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में।